चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनयांग कहती हैं, चीन तालिबान के साथ दोस्ताना और आपसी सहयोग के रिश्ते विकसित करने के लिए तैयार है। चीन अफगानिस्तान में शांति और पुनर्निर्माण के लिए रचनात्मक भूमिका निभाना चाहता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान कहते हैं, अभी जो हो रहा है अफगानिस्तान में, वहाँ गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं उन लोगों ने। जब आप किसी की संस्कृति अपनाते हैं तो आप मानने लगते हैं कि वो संस्कृति आपसे ऊंची है और आखिर में आप इसके गुलाम हो जाते हैं। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा होने के बाद चीन और पाकिस्तान की तरफ से आए ये बयान तालिबान के लिए उनकी स्वीकृति साफ जाहिर करते हैं। चीन और पाकिस्तान दोनों ही उन चुनिंदा देशों में भी शामिल हैं जिनके दूतावास अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद भी सक्रिय हैं। एक तरफ जहां अफगानिस्तान से हैरान परेशान लोगों की चिंताजनक तस्वीरें सामने आ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ चीन और पाकिस्तान का तालिबान के लिए नरम रवैया भी चर्चा का विषय है। कई विशेषज्ञ चीन, पाकिस्तान और तालिबान के बीच इस रोमांस पर बिल्कुल हैरान नहीं है, इसे तालिबान की एक बड़ी कूटनीतिक जीत के रूप में देख रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन और तालिबान को कहीं न कहीं एक दूसरे की जरूरत है। वहीं पाकिस्तान पर तालिबान को समर्थन देने के आरोप पहले से लगते रहे हैं। तो क्या ऐसा माना जाए कि अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा चीन और पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है? क्या तालिबान से चीन और पाकिस्तान को कोई खतरा भी है? प्रोफेसर गौतम मुखोपाध्याय अफगानिस्तान, सीरिया और म्यांमार में भारत के राजदूत रह चुके हैं। उन्होंने बीबीसी से बात करते हुए कहा, चीन का समर्थन मिलने से तालिबान के हौसले जरूर बढ़ेंगे और एक तरह से ये उनकी कूटनीतिक जीत भी है, लेकिन चीन के लिए इसके खतरे भी हैं। पाकिस्तान की छवि पहले से ही बहुत खराब है और ऐसे में चीन का उसके साथ मिलकर तालिबान को समर्थन देना कुछ हद तक चीन की अपनी छवि ही खराब करेगा। उन्होंने कहा, चीन को लगता है कि तालिबान के साथ मिलकर उसके लिए इस्लामी चरमपंथी संगठनों और गतिविधियों को काबू करना आसान होगा, खासकर पूर्वी तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट को। ETIM चीन के वीगर मुसलमानों का एक संगठन है जो शिनजियांग में एक स्वतंत्र देश के गठन की मांग करता है। चीन ने पूर्वी तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट का मुद्दा पिछले महीने तालिबान के प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई बातचीत में भी उठाया था। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने तालिबान प्रतिनिधिमंडल से कहा था कि उसे चीन विरोधी आतंकवादी संगठन ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट से संबंध तोड़ने होंगे। लेकिन क्या ये चीन के लिए इतना आसान होगा? गौतम जवाब देते हैं, नहीं। वो कहते हैं, ये सभी संगठन एक दूसरे से बिल्कुल अलग नहीं है और न ही इन्हें पूरी तरह अलग अलग करना आसान है, इसलिए मुझे लगता है कि तालिबान के साथ हाथ मिलाकर एक खतरा जरूर मूल रहा है। गौतम मुखोपाध्याय का मानना है कि चीन के लिए तालिबान को समर्थन देने के पीछे उसके आर्थिक रणनीतिक हित जरूर छिपे हैं, लेकिन आने वाले कुछ वक्त में ETIM से निपटना उसके लिए एक बड़ी चुनौती होगी। गौतम मुखोपाध्याय को ऐसा भी लगता है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में तालिबान को एक तरह से सक्रिय इसलिए किया है ताकि वो चीन के लिए चीजें मुश्किल कर सके। उन्होंने कहा, अफगानिस्तान में अमेरिका की मौजूदगी उसके प्रतिद्वंदियों जैसे रूस और ईरान को सुरक्षा ही दे रही थी, अब अमेरिका को लगता है कि वो खुद इसका सामना करें। पूर्व भारतीय राजनयिक और एशिया मामलों के विशेषज्ञ पी स्तोबतन का मानना है कि पाकिस्तान डबल गेम खेल रहा है। उन्होंने बीबीसी से बातचीत में कहा, पाकिस्तान ने एक तरफ अफगानिस्तान से सैनिकों की वापसी में अमेरिका का साथ दिया और अब वो चीन का साथ देते हुए तालिबान को मान्यता देने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। स्तोबतन मानते हैं कि भविष्य में तालिबान के मसले पर चीन और अमेरिका में तनाव ज्यादा बढ़ जाएगा और बीच में पाकिस्तान फंसेगा। उन्होंने कहा, अफगानिस्तान में जो कुछ भी हुआ वो अफगानिस्तान के बारे में नहीं बल्कि असल में अमेरिका और चीन के बारे में है। स्तोबतन मानते हैं कि अभी अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे को पाकिस्तान भी अपनी रणनीतिक जीत के तौर पर पेश कर सकता है, क्योंकि वो पहले से ही कह रहा था कि अशरफ गनी सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया में बाधा रहे हैं और उनकी वजह से हिंसा बढ़ रही है। पाकिस्तान सरकार ये आरोप भी लगाती रही है कि अफगानिस्तान में अशांति का माहौल बनाए रखने के लिए भारत साजिश रचता है। स्तोबतन कहते हैं कि ऐसे में पाकिस्तान तालिबान के कब्जे को अफगानिस्तान में भारत के कम होते प्रभाव के रूप में भी देखेगा। पाकिस्तान में पहले से बड़ी संख्या में अफगान शरणार्थी रहते हैं और ताज़ा स्थिति के बाद उनकी संख्या बढ़ने की आशंका है। ऐसे में क्या उसके लिए मुश्किलें पैदा नहीं होंगी? इस सवाल के जवाब में स्तोबतन कहते हैं, शुरुआत में पाकिस्तान के लिए ये आर्थिक तौर पर मुश्किल हो सकता है, लेकिन
बाद में वो इन्हीं अफगान शरणार्थियों का हवाला देकर विश्व मुद्रा कोष और विश्व बैंक से बड़े पैमाने पर फंड भी ले लेगा। चीन के बारे में वो कहते हैं कि मौजूदा हालात को लेकर चीन खुश भी होगा और आशंकित भी। हालांकि उन्हें ये भी लगता है कि चीन के लिए मौके अपेक्षाकृत ज्यादा होंगे और चुनौतियां कम होंगी। उन्होंने कहा, अमेरिका अफगानिस्तान से हट गया है, पाकिस्तान चीन के साथ है, रूस और ईरान भी चीन के साथ हैं। ऐसे में उसका पक्ष कमजोर नहीं है। चीन तालिबान से इसलिए हाथ मिलाना चाहता है क्योंकि वो अपने यहाँ वीगर मुसलमानों के मसले पर चिंतित है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के शिनजियांग प्रांत में करीब 10 लाख वीगर मुसलमान हैं और शिनजियांग की सीमा अफगानिस्तान से भी मिलती है। ऐसे में चीन को डर है कि वीगर मुसलमान और ETIM के सदस्य अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल उसके खिलाफ गतिविधियों को अंजाम देने के लिए कर सकते हैं। नतीजतन उसने पहले ही तालिबान को इस शर्त पर समर्थन देने की बात कही है कि वो अफगानिस्तान के किसी हिस्से को उसके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा। चीन की रोड एंड बेल्ट परियोजना जैसी कई महत्वाकांक्षाएं हैं और उसके लिए सेंट्रल एशिया में बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर और कम्युनिकेशन की जरूरत होगी। अगर अफगानिस्तान में चीन को पर्याप्त सहयोग नहीं मिलेगा तो ये इस इलाके में अपना प्रभाव बढ़ाने की उसकी योजनाओं को प्रभावित कर सकता है। इसी तरह चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी एशिया में उसका एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, लेकिन पाकिस्तान में चीनी अधिकारियों पर हमले होते रहते हैं। ऐसे में तालिबान से हाथ मिलाकर चीन इलाके में अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहता है। चीन ने एनक कॉपर माइन और अमू दरिया एनर्जी जैसे निवेश अफगानिस्तान में किए हैं, इसलिए वहां अपने लिए प्रतिकूल माहौल बनाकर चीन भविष्य में निवेश की संभावनाओं को कम नहीं करना चाहेगा। तालिबान के कब्जे से पाकिस्तान इसलिए खुश है क्योंकि इसे वो अफगानिस्तान में भारत की रणनीतिक हार के रूप में देखता है, लेकिन इसके साथ ही वहां चरमपंथी समूह पाकिस्तान तालिबान का मनोबल भी बढ़ जाएगा। लड़कियों की शिक्षा और शांति के लिए आवाज उठाने वाली मलाला यूसुफजई को तालिबान के सदस्यों ने ही गोली मारी थी। इसके साथ ही पाकिस्तान में बड़ी संख्या में अफगान शरणार्थियों के आने को लेकर भी चिंता जताई जा रही है।